सो ऑल राइट गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर से मार्च यानी कि हम लोग को होली का ये मंथ है, और इस मंथ में हम लोग को होली मनाया जाएगा यहाँ पर से इंडिया पे। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारा आपको जो है इवेंट है गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ साथ कुछ और आपको इवेंट है जो कि देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखोगे बर्गर वाला यहाँ पर कुछ इवेंट है जो हम लोग यहाँ पर अंदर आएगा, और साथ कुछ और यहाँ पर इवेंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आज हम इस वीडियो में इन सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखना मेरे भाई। एंड आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ये करने मतलब आपको ये मतलब बोल नहीं रहा हूँ कि पूरा देखना, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वीडियो में कुछ जानकारी कुछ इन्फॉर्मेशन है लेनी है आपको इस वीडियो से जानकारी, तो आप यहाँ पर से बिंदास पूरा देख सकते हो, वरना कूट करके जा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दें मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कितना जोर से बोल रहा हूँ यार, गजब बेइज्जती है। मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको मिलते हैं कि फिर से इवेंट जो कि आप देख पर तीस में जिसमें तीन आइटम रेयर है, यहाँ पर से आप देख पर बियर्ड जो कि ओल्ड मैन बियर्ड है, बट बियर्ड जो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखता है भाई। आई थिंक मेरे को लगता है अगर ये बियर्ड इंडियन सर्वर पे आता है तो मैं 100% निकालूंगा, आपका क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट मिलता है गूगल, उसके बाद यहाँ पर से मिलता है आपको यहाँ पर से एक हैट जो कि ऊपर के यहाँ पर से बकेट हैट बोल सकते हो आप इसको, बहुत ही अलग टाइप के यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ पर से मिलता है आपको एक छोटा सा जो हम लोग का आर्मी टाइप का यहाँ पर टॉपी या फिर मतलब कैप है, आप वहाँ पर देखने मिलता है। एंड सिंपल से यहाँ पर अरे यार मेरे टैक्स में डाउन हिल लोड ही नहीं है, एंड नीचे कुछ का और यहाँ पर से आइटम मिलता है। एंड यहाँ पर से निकल करते एक न्यू मास्क जो कि बहुत ही शानदार दिखता है, ग्रीन मास्क, आपको बताना भाई आपको ये मास्क जो है कैसा दिखा। एंड कुछ खास नहीं यहाँ पर से स्टिकर वगैरह यहाँ पर सब लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये चीज़ दो चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा, एक मास्क और दूसरा यहाँ पर से बियर्ड। एंड बियर्ड हमारे सर पर बहुत जल्द आने वाला है, और बियर्ड जैसे आएगा मैं यहाँ पर श्योरली निकालूंगा, आप निकालेगा नहीं फिर नहीं या फिर नहीं कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर बताना। एंड नेक्स्ट मार्क मिलता है यहाँ पर से एक डायमंड रॉयल जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बट हमारे सर पर कौन सा डायमंड रॉयल आएगा तो कहना मुश्किल है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये डायमंड रॉयल आप लोगों को नेक्स्ट में देखने के लिए मिल सकता है। एंड अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर बर्गर खाने, तो यहाँ पर सबको मिलता है मेल वाला बंडल जो कि अलग टाइप से यहाँ पर से दिखता है, एंड बिल्कुल यहाँ पर सब बर्गर बोल सकते हो भी सेम टू सेम बर्गर के यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर से कस्टमाइज किया गया बिल्कुल यहाँ पर से बर्गर से। तब देखते भी ये इवेंट हमारे सर्वर पे आता है फिर नहीं आता, क्योंकि बर्गर के इवेंट बाहर सर्वर ज़्यादा चलता है। एंड फीमेल कॉस्ट्यूम में कुछ आपको बिल्कुल यहाँ पर से बर्गर टाइप का देखने मिलता है। एंड भाई बर्गर का नाम सुनकर मेरे मुँह में पानी आया, गेयर कास्ट पास में मिलता है। एंड यहाँ पर से मिलता है ग्लोबल की स्किन, तो ये 100% आएगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कोलैबोरेशन है तो ग्लोबल की स्किन आप लोग देखने मिलेगा। ग्रैंड स्किन साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं बैकपैक की स्किन 1 लेवल 2 लेवल। एंड यहाँ पर से लास्ट में आपको मिलता है छोटा सा यहाँ पर से जो हम लोग लूट बॉक्स है उसका स्किन, बाद में कि आपको ये चीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन मेरे को ग्लोबल की स्किन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड डेड बॉक्स जो था वो भी मेरे को थोड़ा सा शाइनी कलर का देखने में बहुत ही सही लगा। एंड बंडल की बात करें तो मेल वाला बंडल ठीक था, फीमेल वाला बंडल भी ठीक था फीमेल के हिसाब से, बाद बाकी आप अपने हिसाब से बताना भी कि आपको ये जो बर्गर का सीन है ये कैसा लगा एंड क्या लग रहा है, कुछ फनी टाइप के यहाँ पर से लग रहा है ना भाई, यहाँ पर से करें कर कर रहे भाई, उसको कुछ ब्रांड नहीं मिल रहा कोलैबोरेशन करने के लिए क्या, यहाँ पर से ब्रांड के साथ मतलब बर्गर के साथ पिज्ज़ा के साथ पतले का मूली के साथ कबालों के साथ यहाँ पर से कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर देगा। खैर जो भी बात है भाई यहाँ पर से गेम करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर समझ में आएगा। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर से होली इवेंट के यहाँ पर से बैनर लेकर आ चुका जो कि आप लोग यहाँ पर से ऑलरेडी देखे होंगे, तो यहाँ पर सबको मिलता है यहाँ पर से जो हम लोग का इमोट है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो जिप की स्किन वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, यहाँ पर से ट्रायल गन की स्किन ये बिल्कुल मिलता है यहाँ पर से सिवन के लिए, यहाँ पर से आप नीचे मिलता है यहाँ पर से आपको जो डेली लॉग इन टू कॉस्ट्यूम ट्रायल, तो यहाँ पर से हम लोग को रेयर से रेयर जो इनक्यूबेटर का बंडल है वो आपको मिलता है, मोको का जो हम लोग यहाँ पर से एक क्या बोलते हैं ग्रेनेड मिलता है वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर स्नैकर स्लेडर्स यहाँ पर से आपको एक लूडो टाइप का इवेंट मिलेगा, उसके नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से आपको मिलता है डॉग था बलून, यहाँ पर फेस मास्क मिलता है स्टिकर्स, एंड नीचे यहाँ पर सबको बहुत सारे आइटम मिलते हैं। एंड बंडल जो यहाँ पर सबको मिलता है भाई स्नैक्स एंड लैडर से, तो यहाँ पर सबको बंडल मिलेगा बिल्कुल सही बंडल है और यहाँ पर देखने में शाइनी है, बट देखने में क्या डिस्टेंट है डिफरेंट है भाई, हम लोगों का ये बंडल जो ऑलरेडी यहाँ पर जो हम लोगों के यहाँ पर से डायमंडल पर आ चुका है फिर से यहाँ पर से मिलेगा, बट इसका सिर्फ सिर्फ कलर जो कलर कॉम्बिनेशन अलग किया गया है, लेकिन ये जो बंडल हम लोग को मेल वाला बंडल जो मिलने वाला है इसमें भाई ये बंडल ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर बहुत पहले डायमंड रॉयल पर आ चुका है, कितने लोगों की याद है भाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर सभी क्या क्या सीन चल रहा है, कौन कौन से इवेंट आप लोग गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मिस्ट्री शॉप की अगर बात करते हैं, मिस्ट्री शॉप का जो कंफर्म डेट है वो 12 तारीख को रिलीज हुआ है, लेकिन उसमें मिस्ट्री शॉप में इलाइट पास मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, या फिर हो सकता है भाई गरीना है कुछ भी कर सकता है, डेट को आगे भी ले जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर 24 तारीख के बाद अगर आएगा मिस्ट्री शॉप तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हम लोग को जो इलाइट पास है वो देखने के लिए मिलेगा, बाद में अगर इलाइट पास मिस्ट्री शॉप पर नहीं आता तो ये बहुत ही ज़्यादा बकवास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपको मुझे बताना भाई कि
क्या लग रहा है मिस्ट्री शॉप में लाइट पास आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना से, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने दिल से थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।